जस्टिस जेएस खेर देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 4 जनवरी को उन्हें शपथ दिलाएंगे। वर्तमान चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर 3 जनवरी 2017 को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस खेर भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनका कार्यकाल 4 जनवरी 2017 से 4 अगस्त 2017 तक का होगा। बता दें कि जस्टिस खेर सिख संप्रदाय के पहले शख्सियत होंगे जो भारत के सीजेआई के पद पर पहुंचे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन अगले हफ्ते होगा और किडनी फेल होने के बाद से ही सुषमा स्वराज एम्स में भर्ती हैं। सुषमा ने ट्वीट कर किडनी फेल होने की जानकारी दी थी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और जमुई सांसद चिराग पासवान से योग गुरु बाबा रामदेव ने मुलाकात की। इस दौरान तीनों हस्तियों के बीच बाजार में बिक रहे नकली प्रोडक्ट्स पर चर्चा की गई। मुलाकात के बाद बाबा रामदेव ने जहां पासवान परिवार की तारीफ की तो वहीं पासवान परिवार ने पतंजलि के सामानों की भी सराहना की। इलाहाबाद के सिविल लाइन्स इलाके में मंगलवार देर रात जमकर हंगामा हुआ। यहां डांस पार्टी में विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। झगड़े में बम भी फेंका गया। देसी बम के छर्रे से एसआई सुनील सिंह जख्मी हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। दरअसल प्रतापगढ़ का अमित पांड्या अपने 5 दोस्तों नितिन, अनुराग, अंकित और विष्णु के साथ एक फायर एट नाइट रेस्टोरेंट पहुंचा था, जहां एक छात्र के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। इसी दौरान नशे में धुत सभी छात्र डांस करने लगे और शराब की मांग करने लगे। रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने इनकार किया तो मारपीट और तोड़फोड़ शुरू कर दी। यूपी के कानपुर में जूनियर नेशनल प्लेयर दहशत में है। पिछले 18 महीने से नेशनल प्लेयर का परिवार पुलिस से दबंगों के खिलाफ शिकायत कर रहा है, लेकिन पुलिस ने आज तक दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित के पिता फौजी हैं और बताया जा रहा है कि दबंग समाजवादी पार्टी के किसी नेता के करीबी हैं और जिस वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर अपना पुराना राग लापा है। उन्होंने फिर से शिरडी के साईं पर विवादित बयान दिया है। स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि देश को सनातन परंपरा ने ही एकता के सूत्र में बांध कर रखा है, लेकिन अब वो कमजोर पड़ रही है। उन्होंने कहा है कि घर के मंदिरों में जहाँ हिंदू भगवान शिव और माँ दुर्गा की पूजा करते थे, आज उन्ही मंदिरों में साई की मूर्ति विराजमान हो गई है। दिल्ली में सड़क पर विवाद के दौरान की गई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी यशपाल माही एक प्रॉपर्टी डीलर है और दिल्ली के न्यू अशोक नगर में रविवार को सड़क पर गाड़ियों की टक्कर के बाद गोली मारकर दीपक की हत्या कर दी गई। दिल्ली में सरकारी स्कूल अब रिटायर्ड टीचर्स की भर्ती कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को अब जरूरत के मुताबिक से रिटायर्ड टीचर्स नियुक्त करने का अधिकार दे दिया है। टीचर्स की कमी और मौजूदा टीचर्स की ट्रेनिंग या छुट्टियों पर जाने की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई को नुकसान ना हो, इसलिए फैसला लिया गया है। अब दिल्ली के 10 सरकारी अस्पतालों में आप फ्री में एमआरआई करा सकते हैं और इसके लिए आपको दिल्ली का बना 3 लाख से कम इनकम का सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा और इसे दिखाने के बाद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर 8 प्राइवेट सेंटर्स में फ्री एमआरआई कराया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि इससे करीब 85% लोगों को फायदा होगा। दिल्ली महिला आयोग ने महिला कर्मचारियों की शिकायत के समाधान के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून 2013 के प्रावधान का पालन नहीं करने के संबंध में दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये नोटिस दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालेवाल की ओर से जारी किया गया है। कांग्रेस ने धमकी दी है कि महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों को आरक्षण बहाल नहीं किया तो वो आंदोलन करेंगी। बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल मुसलमानों के आरक्षण का कोटा रद्द कर दिया था और इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है जिसमें मराठा समुदाय को आरक्षण देने की बात कही गई है। मुंबई के विलेपाले में 25 साल की एक फिजियोथेरेपिस्ट श्रद्धा पांचाल अपने घर में पंखे से लटकी मिली। श्रद्धा सोमवार की रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी जिसके बाद वो रात को करीब 12 बजे लौटी। पुलिस इस मामले में श्रद्धा के कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चेक कर रही है। पुलिस श्रद्धा के तमाम दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है जिनके साथ उसने सोमवार रात पार्टी की थी।
ईडी ने नोट डिमोनेटाइजेशन मामले में अब तक 30 मनी एक्सचेंजों से पूछताछ की है, जहां पुराने नोट के बदले डॉलर बदलने के मामले सामने आए हैं। ये नियमों के तहत न होकर अवैध तरीके से किए गए हैं। फीमा के तहत इनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि नशे में लापरवाही से गाड़ी चलाकर दुर्घटना करने वालों के खिलाफ सख्त सजा दिलाने के लिए सरकार क्या कर रही है। कोर्ट ने पूछा है कि अदालत के इस सुझाव पर सरकार ने कितना अमल किया है, जिसमें लापरवाही से हुई मौत के मामले में आईपीसी के प्रावधान को और सख्त बनाने की राय दी गई थी। मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने 2 जगहों पर पुलिस को निशाना बनाकर आईईडी ब्लास्ट किया है, और जिसमें पुलिस की सतर्कता से कोई हताहत नहीं हुआ। ये हमला सड़क निर्माण कार्य के सुरक्षा में लगे जवान और पुलिया निर्माण की सुरक्षा में लगे जवानों को निशाना बनाकर किया गया था। अहमदाबाद में एक टैक्सी वाले की गांधीगिरी मिसाल बन गई है। टैक्सी ड्राइवर उदय जाधव ट्रेवल करने वालों से पैसा नहीं मांगते, बस उनके सामने एक थैला रख देते हैं। लोग अपनी मर्जी से उस थैले में पैसा रख देते हैं। उदय जाधव उस पैसे में से आधे पैसे का इस्तेमाल गरीबों को दान करने में करते हैं। टैक्सी ड्राइवर उदय गरीब, बीमार और दिव्यांगों से पैसा नहीं लेते हैं। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री महेश गागड़ा को मिला अमेरिका का वीजा, और इसके पहले हैदराबाद स्थित अमेरिकी कौंसुलेट ने महेश गागड़ा के वीजा आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद विदेश मंत्रालय के अमेरिकन एम्बेसी में बातचीत के बाद वीजा कंफर्म हुआ। 16 दिसंबर को वन मंत्री समेत वन विभाग के 6 सदस्यीय दल सरकारी यात्रा पर अमेरिका जाएगा। झारखंड चतरा के समरिया थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आधा दर्जन नक्सली घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 लाख के नामी नक्सली मुकेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार एरिया कमांडर मुकेश यादव किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। बिहार के मधेपुरा में सीएम नीतीश कुमार के साथ निश्चय यात्रा को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जल नल एवं शौचालय और बिजली कनेक्शन योजना को अंबिजामा पहनाने का काम तेज गति से चल रहा है। अलग अलग विभागों के अधिकारी खुद खड़े होकर काम को तेजी से करवा रहे हैं। झारखंड के पलामू में कृषि अनुसंधान केंद्र महिलाओं को मशरूम खेती करने का प्रशिक्षण दे रहा है। 4 साल से सूखे की मार झेलने वाले पलामू में मशरूम खेती किसानों को प्रेरित कर रही है, ताकि कम पानी में इसकी खेती कर अच्छी कमाई की जा सके। महिलाओं में भी मशरूम की खेती को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपनी पार्टी को हाईटेक बनाने की राह पर चल पड़े हैं। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी का वेबसाइट लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि इसके बिना पार्टी की पहुंच नहीं बढ़ सकती। वेबसाइट लॉन्च करते हुए मांझी सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे।